फ्रेंड्स, और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अभी फिर से वैसा ही मौसम हो चुका है और अभी थोड़ी थोड़ी ओले पड़ रहे हैं और हल्की हल्की वर्षा लगी है। और अभी जो है बहुत अभी ओले पड़े थे पर वो गल चुके हैं। ये देखिए आंगन में भी एक नहीं दिखाई दे रहा और अब तो गाड़ियों पे भी नहीं जमी है, मतलब उतने नहीं पड़े जितने पहले पड़े थे। और अभी देखिए साफ़ नहीं है मौसम, वैसे हो जाएगा थोड़े 5-10 घंटों नहीं मिनट बाद हो जाएगा, पर अभी देखिए अभी तो नहीं है, मौसम साफ नहीं है बिल्कुल भी नहीं, और हल्की हल्की वर्षा भी लगी है। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी वो क्या कहते हैं गेहूँ हो चुकी है, और ये ना वर्षा भी हो रही है ना, वैसे वैसे ये बढ़ती जाएगी। गेहूँ ही है शायद, पता नहीं और भी होते हैं ऐसी कोई चीज़ ही होती है। पर अभी मैं जो बात कर रही थी आपसे कि अभी ओले पड़ रहे हैं धीरे धीरे हल्के हल्के, तो अब ओले गिरना बंद हो चुका है और अभी हो चुकी मतलब वर्षा तो बिल्कुल हल्की हल्की, जैसे मतलब छींटे होते हैं ना वैसे लग रहे हैं, पूरी वर्षा नहीं लगी है वैसे। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर, सब करती हूँ मैं आपसे बात। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज अभी ज्योति जब थोड़ा सा शूट कर रही थी तो वो बता रही थी कि आज गिद्धड़ की शादी हो रही है, तो शायद हो सकता है वो शादी को जाए। तो आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज उड़द की खिचड़ी। तो ज्योति को तो बहुत ज़्यादा शौक होता है इधर उधर भागने का, कभी कुछ बोलने का, कभी कुछ करने का, तो वो तो अपनी मर्जी की मालिक है और वो हमेशा ही फ्री में रहना चाहती है, वो किसी की बाउंडिंग में नहीं रहती है। अगर उसको कहीं भी ऐसे बिठा के या उससे कोई ज़बरदस्ती काम करवा के तो उसका मन नहीं करता है, वो अपनी मर्जी से ही हर काम करती है। जो उसका मन करेगा तो वो शूट करेगी, जो उसका बोलेगा तो वो ब्लॉगिंग करेगी। तो आज मैं अभी आपको दिखा देती हूँ उड़द की खिचड़ी। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़े से उड़द भी लिए थे तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बैठे हैं हम चूल्हे के पास। तो आज तो बारिश लगी है ना, काफी ठंड हो गई आज फिर दोबारा से। देखिए हमारे हिमांशु को ठंड नहीं है, इसको गर्मी है। देखिए इसने स्वेटर भी नहीं डाली, इसने सिर्फ एक कमीज पहनी है। हीरो है, हीरो ये बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा हीरो हूँ। हाँ अब लगे इसको हीरो का पड़ा, इसने टोपी भी उतार दी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से दाने उड़द के लिए थे और ये मैंने धो लिए। तो अब मैं इस कुकर में इनको डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिए इसमें उड़द के दाने, और ये साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया। तो नमक की वजह से हमारा ये जो उड़द की दाल है ये जल्दी से पक जाएगी। और मैं कर लेती हूँ ढक्कन बंद। तो अभी हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो अभी हम सारा इसमें जो ऐड करेंगे वो करेंगे तड़के के साथ। तो अब रख दिया मैंने कुकर चूल्हे पर और साथ में मैंने जला ली है आग यहाँ पर। प्याज जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक मैं यहाँ पे प्याज को काट लेती हूँ। तो तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका था तो हमने डाल दिया इसमें धनिया। तो हमारा कुकर जल गया नीचे से क्योंकि अभी आग यहाँ पे काफी जली थी और बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। और देखिए आकाश में गड़गड़ाहट की कितनी जोर से आवाज आ रही है। दिया मैंने इसमें प्याज। तो हमारे यहाँ पे लाइट चली गई है, अगर इसमें कुछ दिखाने में या दिखने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो मुझे आप माफ करिएगा, क्योंकि हमारे ना तो यहाँ पे लाइट है और ना ही और बहुत जोरों से बाहर में बारिश लगी है, तो शायद आपको सुनाई भी कम दे रहा होगा। और ये कुछ दाने मेथी के थे तो ये भी मैंने तड़के में ही ऐड कर लिए। और ये है कुछ मिर्चे तो मिर्चे भी मैंने डाल दी। और ये है थोड़ा सा गर्म मसाला तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया।
और ये मैंने हल्दी भी इसी में ही ऐड कर ली, तो हमारी हल्दी कच्ची नहीं रहेगी, ये भी इसी में पक जाएगी। और हमारा तड़का यहाँ पे जल गया, तो ये डाल दी मैंने साथ में इसमें चावल। और इन चावलों को मैंने तड़के के साथ मिक्स कर लिया, और ये है उड़द की दाल जो मैंने इसमें डाल दी। तो अब हम इसमें अपने हिसाब से पानी भी ऐड कर लेंगे और साथ में नमक भी। तो बस पानी हमें सिर्फ इतना ही इसमें ऐड करना है, और ये डाल दिया मैंने इसमें नमक। कर लिया मैंने इसका ढक्कन बंद। तो हमने अपने ढक्कन को निकाल लिया नीचे, और अब देखते हैं कि हमारी उड़द की खिचड़ी कैसी बनी। तो ये बन गई हमारी उड़द की खिचड़ी। खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन अब खाने में पता चलेगा कि कैसी बनी है। और इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा घी हो जाए या मक्खन हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आप भी हमारे साथ डिनर करिएगा। और यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे घी भी ले लिया। तो आप भी हमारे साथ डिनर करिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर जरूर करिएगा, हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेके मिलेंगे, तब तक बाय।